गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पुस्तकों का महत्व, कि हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व होता है। ठीक है, हमारे जीवन में मतलब पुस्तकों का महत्व क्या है, या पुस्तकें हमारे जीवन की सच्चे मित्र हैं। तो देखिएगा, पुस्तकों का महत्व या पुस्तकें या पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र हैं। तो पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र हैं। मतलब पुस्तकों का महत्व, पुस्तकों का हमारे जीवन में मतलब पुस्तकों का महत्व, या पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या पुस्तकें हमारे जीवन की एक सच्ची मित्र हैं। तो कहते हैं कि यदि मनुष्य, जैसे हम लोग पहले प्रस्तावना लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना। तो कहते हैं कि यदि मनुष्य और पशु में भेद कर दिया जाए, यदि मनुष्य में और पशु में भेद कर दिया जाए तो केवल बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। कि मनुष्य में बुद्धि होती है और पशुओं में बुद्धि नहीं होती है। खाना पीना चलना तो सब ऐसे ही होता है, हम लोगों जैसे ही होता है, लेकिन उनमें पशुओं में बुद्धि नहीं होती है। तो बुद्धि और ज्ञान के बिना मनुष्य निश्चय ही संसार का एक दयनीय प्राणी होता है। मतलब यदि समझ लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति पागल है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, तो क्या कहलाता है, उसको लोग बड़ी दयनीय दृष्टि से देखते हैं। ना उसमें कोई बुद्धि है, ना उसमें कोई ज्ञान है। जब बुद्धि नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा। तो कहते हैं बुद्धि और ज्ञान के बिना निश्चय ही वो संसार का जो वह व्यक्ति होता है बहुत दयनीय होता है। अनादिकाल से, मतलब क्या होते हैं, प्राचीन काल से मनुष्य अपने ज्ञान का ही परिष्कार करता चला आ रहा है। मतलब बहुत प्राचीन काल से मनुष्य क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का परिष्कार, अपने ज्ञान को छोड़ता ही चला आ रहा है। क्या कहते हैं, यदि मनुष्य में और पशु में भेद कर दिया जाए तो केवल बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो मनुष्य जो होता है निश्चय ही इस संसार का दयनीय प्राणी होता है। और प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने ज्ञान का परिष्कार करता ही चला आ रहा है। तो कहते हैं कि ज्ञान उसे किससे मिलता है, ज्ञान उसे या तो गुरु से प्राप्त होता है या उसे पुस्तकों से प्राप्त होता है। यदि या तो ज्ञान गुरु से मिल जाए या उसे ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त हो जाए, तो गुरु तो सीमित समय तक ही ज्ञान दे सकता है ना, एक समय होता है ज्ञान देने का, तो गुरु एक सीमित समय तक ही उसे ज्ञान दे सकता है। पर पुस्तकें तो उसे जीवन भर साथ देती हैं, है ना, पुस्तकें तो उसे जीवन भर साथ देती हैं। और गुरु तो केवल ज्ञान प्राप्ति का मतलब प्रदर्शन करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है। कि जो गुरु होता है ज्ञान का मतलब पथ प्रदर्शन करता है, कि इस ज्ञान इसको पढ़ने से मतलब तुम्हारा रास्ते की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, या तुमको इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये जो ज्ञान जो होता है, मतलब गुरु जो होता है पथ प्रदर्शन करता है। परंतु वास्तव में पुस्तकें ही गुरुओं की भी गुरु होती हैं। पुस्तकें क्या होती है, गुरु जो होते हैं उनकी भी गुरु होती हैं। क्यों, पुस्तकें हमारी हितैषी होती हैं। हितैषी मीन्स क्या होता है, पुस्तकें हम लोगों का भला चाहती हैं और ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करना जो होता है बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का
विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के लिए और बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कहते हैं कार्लाइल, एक विद्वान है कार्लाइल, कार्लाइल का कथन है कि मानव जाति ने जो कुछ भी किया, सोचा और पाया है वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। कहते हैं मानव जाति ने जो कुछ भी किया है, पाया है और सोचा है, मतलब मानव जाति ने जो कुछ किया, सोचा और उसे पाया है, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों से में असुरक्षित है। मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास का समूचा श्रेय, मतलब मानव संस्कृति जितनी भी है का संस्कृति का जो विकास हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? उसको सिर्फ पुस्तकों को जाता है। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि मैं नरक में भी जाकर के पुस्तकों का स्वागत करूँगा, और क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ पर ये पुस्तकें होंगी वहाँ पर स्वर्ग बन जाएगा। किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने कहा है ये पुस्तकें, मैं नरक में भी जाकर के पुस्तकों का स्वागत करूँगा, जहाँ पर ये पुस्तकें जाएंगी वहाँ पर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं पुस्तकों का जो महत्व होता है रत्नों से भी अधिक महत्व होता है। रत्न होते हैं हीरा पन्ना मोती माड़े, तो ये रत्न कहलाते हैं। तो पुस्तकों का जो महत्व होता है, पुस्तकों का महत्व रत्नों से भी अधिक होता है, क्योंकि रत्न जो होते हैं क्या होते हैं, रत्न जो बाहरी चमकदमक दिखाते हैं, और जबकि पुस्तकें व्यक्ति के अंतःकरण को उज्ज्वल कर देती हैं। और रत्न जो क्या करते हैं, बाहरी चमकते हुए दिखाते हैं। अच्छी जो पुस्तकें होती हैं मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती हैं, मतलब इतना ज्ञान देती हैं कि मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला आता है, देवत्व की ओर ले जाती हैं, उनको उनकी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत कर देती हैं और पथभ्रष्ट होने से उन्हें बचाती हैं, उन्हें मतलब अच्छा ज्ञान देती हैं, सात्विक प्रवृत्तियों को जगा करके उन्हें पथभ्रष्ट होने से पुस्तकें बचाती हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य का समाज का और राष्ट्र का मार्ग निर्देशित करती हैं। पुस्तकों का हमारे मन और मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं पुस्तकों का महत्व जो होता है रत्नों से भी अधिक होता है। रत्न जो होते हैं बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, लेकिन जो पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें क्या करती हैं, पुस्तकें हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती हैं, पुस्तकें हमें ज्ञान मतलब ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध कर देती हैं, पथ प्रदर्शन करती हैं। और पुस्तकें जो होती हैं मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती हैं, है ना, देवत्व की ओर ले जाती हैं, वे सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत कर देती हैं और पथभ्रष्ट होने से व्यक्ति को बचाती हैं। और जो श्रेष्ठ पुस्तकें होती हैं वो व्यक्ति का समाज का और राष्ट्र का मार्ग निर्देशित करती हैं। और पुस्तकें जो होती हैं उनका हमारे मन और मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। ठीक, कहते हैं कि संसार के जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो कहते हैं जितनी महान विभूतियाँ इस संसार में हुई, मतलब जितने भी महान लोग इस संसार में हुए, उन पर किसी ना किसी अंश में पुस्तकों का ही प्रभाव पड़ा था। क्या जैसे महात्मा गांधी गीता और रूस के महान साहित्यकार टॉलस्टॉय तथा अमेरिका के संत साहित्यकार थोरो के साहित्य से अत्यधिक प्रभावित थे। लेकिन लेनिन ने क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर जागी थी। कार्ल मार्क्स का साहित्य उन्होंने पढ़ा था, इसलिए लेनिन ने क्रांति की भावना जागी थी। पुस्तकों में पढ़ने से महान प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि हम पुस्तकों में अच्छी बातें पढ़ेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क जो है अच्छी बातों को सात्विक प्रवृत्तियों की ओर जाएगा।
मतलब हर चीज पॉजिटिव सोचेगा। और यदि हम गलत पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें क्या करती हैं, पुस्तकें जो होती हैं हमें मतलब निगेटिव सोच दे देती है, नकारात्मक सोच देती है, ठीक है ना। तो किसी देश की पुस्तकों से, किसी देश की जो पुस्तकें होती हैं उनसे उनकी महत्ता को जाना जाता है। जैसे महाभारत के जो महान ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, गुरु ग्रंथ साहब है, तो आज से ही इनकी उदारता का पता चलता है। कैसे, महान ग्रंथ है रामायण, रामायण में महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और महाभारत, महाभारत के द्वारा गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए, है ना, और गुरु ग्रंथ साहब से ही, और गुरु ग्रंथ साहब उसे भारतीय संस्कृति की उदारता, भारतीय संस्कृति कितनी उदार है इस बात का पता चल जाता है। यदि अंग्रेजों की प्राचीन संस्कृति को जानना हो तो हमें उनके साहित्य का अध्ययन करना होगा। यदि हमें अंग्रेजों के साहित्य को जानना है तो हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। तो विश्व भर में भारत को धर्मप्रिय और शांत प्रिय देश के रूप में जाना जाता है, तो केवल उनके साहित्य के कारण। समय के साथ साथ सभी इतिहास पुरुष और युग पुरुष काल कवलित हो जाते हैं। आज यदि गुप्त काल का वैभव हमारी आंखों के सामने तैरता है तो केवल कालिदास के साहित्य के कारण। कहते हैं समय के साथ साथ सारे इतिहास के पुरुष, मतलब इतिहास जिनके द्वारा, मतलब जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, काल कवलित हो चुके हैं, उन्होंने जो भी कहा है तो वो जब हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, साहित्य के द्वारा ही प्राप्त होता है ना। आज भी साहित्य के द्वारा प्राप्त होता है। और पहले कह रहे थे गुप्त काल जो था, गुप्त काल का जो वैभव है कालिदास के रूप में हमारे सामने आता है, कालिदास के द्वारा। कहते हैं ना गुप्त काल को या भक्ति काल को क्या भारतीय साहित्य का स्वर्णयुग कहते थे, स्वर्णयुग कहते थे। तो कैसे पता चलता है हमको, पुस्तकों के द्वारा पता चलता है। तो हमारी आप केवल किससे, किसे कालिदास जी ने जो साहित्य लिखा है, कालिदास के साहित्य के द्वारा हमें इस बात का पता चल जाता है कि पुस्तकें जो होती हैं, पुस्तकें हमारे जीवन की एक सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकें जो होती हैं मनोरंजन, पुस्तकें मनोरंजन के क्षेत्र में भी हमारी उन्नति करती हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात पहले देखिएगा कि कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से हमें इस बात का भी पता चलता है कि हमें प्रकृति से भी प्रेम होना चाहिए, हमें प्रकृति से भी प्रेम होना चाहिए। जैसे भी आज कौन सा दिवस है, आज पर्यावरण दिवस है, है ना, आज इन्वायरमेंट डे है। तो कहते हैं कि हमें उससे पता चलता है कि हमें प्रकृति से भी प्रेम होना चाहिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के जीवन की गतिविधियों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बचपन से ही प्रेमी, बचपन से ही जो प्रकृति प्रेमी थे जगदीश चंद्र बसु, लहराती पौधों की मुस्कुराती पत्तियों को मुग्ध भाव से टकटकी लगा कर के देखते थे और सोचते थे और अपने आप से प्रश्न करते थे कि आखिर इन निर्जीव पदार्थों में गति कैसे आ गई, आखिर इन निर्जीव निर्जीव जो पदार्थ हैं इनमें गति कैसे आ गई। तो निरंतर अध्ययन से एक दिन उनकी जिज्ञासा जो थी वो शांत हो जाती, तो मतलब दिन रात होते हैं और एक दिन उनकी जो जानने की जो इच्छा थी, उनकी जिज्ञासा थी कि मतलब निर्जीव वस्तुओं में गति कैसे आ जाती है, निर्जीव जंतुओं में गति कैसे आ जाती है। तो उनकी जो कल्पना जो थी वो साकार हो गई, उन्होंने साबित कर दिया कि पेड़ पौधे जो होते हैं निर्जीव नहीं होते हैं, बल्कि उनमें भी जीवन होता है, स्पंदन होता है, गति होती है और संवेदना भी होती है, संवेदना भी होती है, बल्कि उनमें भी जीवन होता है, स्पंदन होता है, गति होती है और संवेदना भी, उनमें संवेदना भी होती है। इसलिए उन्नति के लिए आवश्यक है स्वयं को पहचान, उन्नति, हमें यदि उन्नति करनी है तो क्या करेंगे हम, स्वयं अपने स्वयं की उन्नति को पहचानना, और स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए पुस्तकें जैसा अच्छा एक मार्गदर्शक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है अपने आप को पहचानने के लिए। कहते हैं यदि हमें उन्नति करनी है तो हमें अपने आप को पहचानना होगा, और अपने आप को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुस्तकों का अध्ययन, अच्छी अच्छी पुस्तकों का हमें अध्ययन करना होगा। और एक विद्वान ने कहा है कि सच्चे मित्रों के चुनाव के पश्चात में, सच्चे मित्रों का हम चुनाव करते हैं, सच्चे मित्रों के चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम क्या आवश्यकता है, उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव करना। पहले हम अच्छे मित्र का चुनाव करते हैं, है ना, तो अच्छे मित्र का चुनाव की जिस प्रकार से हम लोग करते हैं उसी प्रकार से हमें अच्छी अच्छी किताबों का सिलेक्शन भी करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों का चुनाव कर लेना चाहिए। हमें
वो जो पुस्तकें जो होती हैं, अच्छी जो पुस्तकें होती हैं, वो हमें अधिक विचारने को बाध्य कर देती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, सबसे बड़ी पुस्तकें जो होती हैं हमारी सबसे बड़ी सहायक होती हैं। पुस्तकें जहाँ एक और मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, पुस्तकें जहाँ पर एक और व्यक्तित्व के मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बुढ़ापे की लाठी भी होती है, उनके और दूसरी ओर उनके बुढ़ापे की लाठी भी होती है। ये मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं। कहते हैं कि मैंने प्रत्येक स्थान पर विश्राम भोजा, किंतु वह एकांत कोने में बैठकर पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त और कहीं भी प्राप्त ना सका। कहते हैं मैंने बहुत जगह विश्राम भोजा कि हमें कहीं विश्राम मिल जाए, हमें कहीं विश्राम प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी एकांत कोने में बैठ करके जा करके पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त वो कहीं प्राप्त ना हो सका। सुख और शांति जो थी कहीं भी प्राप्त उसे ना हो सकी। इसने लिखा है थॉमस ए कंपिस ने लिखा है। क्या मतलब? पुस्तकें एक और व्यक्तित्व का विकास प्रदान करती हैं, दूसरी ओर क्या होता है, पुस्तकें की बुढ़ापे की लाठी भी होती है। ये मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करती हैं। और कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर किसी घर पर किसी जगह के एकांत कोने में, किंतु वह एकांत कोने में बैठ करके पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त मुझे कहीं भी सुख प्राप्त ना हुआ, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे की लाठी क्या होता है? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, चल फिर नहीं सकता है, बाहर आ जा नहीं सकता है ज़्यादा, है ना। और उस समय घर के बड़े लोग भी जो होते हैं, घर के बड़े मतलब बच्चे जो लोग होते हैं, वो उनका साथ देते हैं। तो क्या होता है, यदि व्यक्ति को अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत है, उनकी हैबिट है इस चीज़ की कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें कुछ पढ़ें, तो क्या करते हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं। जब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो होता है बुढ़ापे की लाठी, मतलब बुढ़ापे में लाठी टेक टेक करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, आगे चलता जाता है। उसी प्रकार से यदि हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मार्गदर्शक हैं, तो पुस्तकें मतलब पढ़ते रहेंगे उसी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो हमारा समय भी पास होता चला जाता है। तो कहते हैं पुस्तकें जो होती हैं हमारे जीवन की एक सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकें हमारे देश की एक अमर निधि भी होती हैं, जो कभी भी निधि में होता है खजाना, निधि में क्या होता है खजाना, अमर माने अमर जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है उसे अमर कहते हैं। पुस्तकें जो होती हैं वो कभी भी समाप्त ना होने वाला खजाना है। किसी जाति के उत्कर्ष का, उत्कर्ष मतलब किसी जाति के उत्थान का और पतन का पता जो किससे चलता है, उसके साहित्य से पता चलता है। आज एक बुक लिख दी गई तो कैसा थोड़ी ना है कि अगर फाड़ दी जाए, वो जो पुस्तक लिख जाती है वो आगे बढ़ती चली जाती है, वो आप जब चाहें तब उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं पुस्तकें जो होती हैं हमारे जीवन की निधि होती हैं, हमारे अमूल अमर जीवन की एक खजाना होती है। खजाना होता है, खजाना जैसे रख लिया जाता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा बना रहता है। तो कहते हैं पुस्तकें हमारे जीवन की एक अमर निधि होती हैं। किसी भी जाति के उत्थान का और पतन का पता लगाना हो तो क्या होता है, उसके साहित्य से ही उसका पता चल जाता है। कहते हैं विज्ञान के मतलब आज विचारों के युग में पुस्तकें ही क्या कहलाती हैं, एक महान अस्त्र कहलाती हैं। पुस्तकों में जो निहित विचार होते हैं ये संपूर्ण संसार की काया को पलट देते हैं। पुस्तकों के अंदर जो विचार लिखे होते हैं और वे समाज की काया को, समाज के स्वरूप को, काया मीन्स क्या होता है, काया मीन्स शरीर होता है, तो समाज राष्ट्र के जो स्वरूप है, समाज का स्वरूप है जो, उसके ढांचे को मतलब पलट देते हैं। आज का जो समस्त संसार है वो क्या है, विचारों का संसार है। विचार वहाँ पर बहुत आता है। समाज में जब भी कोई परिवर्तन आता है या कोई क्रांति होती है तो उसके मूल में क्या होता है कोई विचारधारा होती है। पहले हमारे अंदर मन में कोई विचार आता है, तभी तो हम उसको क्रियान्वयन करते हैं।
तभी तो हम उसे क्रिया का रूप देते हैं, तभी तो उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज में जब भी कोई परिवर्तन आता है या कोई क्रांति होती है तो उसके मूल में क्या होती है, कोई विचारधारा होती है। श्रेष्ठ पुस्तकें समाज में नव चेतना का संचार कर देती हैं, नव चेतना का संचार करती हैं, समाज में जागृति लाती हैं। और हिंदी साहित्य के जो अमर कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में, अपनी कहानियों के द्वारा और उपन्यासों के द्वारा भारतीय किसान की दीनहीन स्थिति का चित्रण करके भारतीयों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति की भावना जागृत करने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे प्रेमचंद जी ने लिखी थी दो बैलों की कथा, लिखी है ना, दो बैलों की कथा लिखी है, उदान उपन्यास लिखा है, तो ये बहुत से निर्मला लिखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ, तो प्रेमचंद्र जी ने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारत की दीनहीन परिस्थितियों का चित्रण करके और उनके मतलब जो स्थिति का जो उसमें स्थिति चल रही थी यथार्थ स्थितियों का चित्रण करके भारतीयों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया है। पुस्तकें पढ़ना समय का श्रेष्ठ उपयोग होता है और उत्तम कोटि का मनोरंजन भी होता है। बैठे बैठे आप अपने कोई काम नहीं है तो आपको मनोरंजन करना है तो आप क्या करिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िएगा, श्रेष्ठ रचना पढ़िएगा, श्रेष्ठ उच्च कोटि की रचनाएँ पढ़िएगा। इससे समय का उपयोग भी होगा और आपके अंदर नवीन विचार मतलब अच्छे अच्छे विचार होगा, अच्छे अच्छे विचार भी उत्पन्न होंगे। तो विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बाद भी आगामी पढ़ाई तक विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बाद उनके आगामी मतलब आगे आने वाली जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, जो भी आपकी क्लासेस होंगी, उनके लिए एक जो समय बिताने का एक अच्छा अवसर होता है क्या, पुस्तकें होता है। नेक्स्ट क्लास की आप पुस्तकें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास की आप पुस्तकें पढ़ना आरम्भ कर दीजिएगा तो इससे क्या होता है कि समय का श्रेष्ठ उपयोग होता है और हमारे अंदर ज्ञान का वर्धन भी होता है, तो कहते हैं पुस्तकें जो होते हैं, पुस्तकें मनोरंजन के क्षेत्र में भी मानव की सेवा करती हैं। मनोरंजन का तात्पर्य क्या होता है, हंसी कह कहे चित्रे या काम विलास से नहीं होता है कि पुस्तकों को पढ़ें और हंसे और हम हंसी इकट्ठा करें, ऐसा नहीं होता है। मनोरंजन का अर्थ जो होता है बहुत ही गहरा होता है। यदि कई कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जो इतना सुंदर लिखा होता है कि पुस्तकें जो होता है गहराई से व्यक्ति के मन के हृदय को छू लेती हैं और उनके मन को उसी में रख जाता और उनका जो मन होता है उसी में रख जाता है। मतलब इतनी सुंदर कहानी लिखेंगे, इतना अच्छा उपन्यास लिखेंगे कि आपका मन जो है उसी में रख जाएगा, आप उसको बार बार पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब मन की गहराई को छू लेती हैं और व्यक्ति जो है उसी में रम जाता है। सच्चे अर्थों में क्या होता है, जैसे सच्चे अर्थों में मनोरंजक पुस्तकें होती हैं। इसी तरह से भाई हमने आपको अभी बताया जैसे प्रेमचंद्र जी की जो कहानी है कफन है, गोदान है ना, गोदान है, उपन्यासों पर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो भी सब क्या होता है, वो भी सब मानव के हृदय को छूती हैं। और उसके बाद में जैसे मैथिलीशर गुप्त जी लिखते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, कवि जो लिखते हैं केवल मनोरंजन करना ही व्यक्ति का, केवल मनोरंजन करना ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, कहते हैं खाली मनोरंजन करना ही पुस्तकों का उपदेश नहीं होता है, उसमें क्या करिए उचित उपदेश का मतलब ऐसे उपदेश उसमें दीजिएगा, ऐसी उसमें सीख दीजिएगा कि व्यक्ति के मर्म को मतलब व्यक्ति की हृदय की गहराई को भी वो छू जाए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक। अब देखिएगा तो पुस्तकें जो होती हैं मानव को जो होती है सच्चा सुख प्रदान करती हैं, ये हमने आपको बताया। विचारों के युद्ध में भी पुस्तकें ही अस्त्र होती हैं, पुस्तकें अमर निधि होती हैं, बताया अमर खजाना होती हैं, जो मतलब
एक मतलब क्या होता है कि मतलब अमर निधि होती हैं, जो पिछली पीढ़ियों का जो अनुभव होता है आगे आने वाली पीढ़ियों को बताती हैं। मैंने बताया आपको किसी जाति के उत्थान और पतन का पता उनके साहित्य से ही चल जाता है। तो अंत में क्या है, हम लोग लिखेंगे कि अंत में जो निराशा के जो क्षण होते हैं, अंत में निराशा के क्षणों में निराशा को दूर करने के लिए, पुस्तकें, हम पुस्तकों के घने काले अक्षरों में अपने को तलाशते हैं, घने अक्षरों में अपने को तलाश। पुस्तकें किससे लिखी होती हैं, काली स्याही से लिखी होती हैं। तो कहते हैं यहाँ क्या करते हैं, निराशा के क्षणों को हम दूर करने के लिए पुस्तकों के घने काले अक्षरों में उसमें अपने आप को हम लोग तलाशते हैं, अपने आप की हम लोग खोज करते हैं। और क्योंकि हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत ही महत्व होता है, पुस्तकें हमारी जो नैया जो है, पुस्तकें हमारी डगमगाती नैया की सशक्त पतवार है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो क्या होती है, नाव जो होती है उसका सहारा होती है, मतलब नाव पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पतवार चलाता है, तो डगमगाती नई नौका की सशक्त पतवार है। इस प्रकार से नौका डूब जाए तो क्या करते हैं, वो पतवार चलाने लग जाता है, जल्दी जल्दी से पानी को काटता है ना, तो जिससे कि नाव जो थी किनारे पर जाकर लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें जो होती हैं, जब हमारी नौका डगमगा रही होती है तो वो पुस्तकें जो होती हैं हमें सच्चा मार्गदर्शन देती हैं, क्योंकि ये ज्ञान और मनोरंजन की वृद्धि का साधन भी हैं और मनुष्य की सच्ची मित्र हैं। सद्गुरु और जीवन पथ की ये सच्ची संरचना है। तो लास्ट में बस इतना ही लिखा जाता है कि पुस्तकें जो होती हैं, मतलब अमर निधि लिखेगा। अब लास्ट में हम आपको इनके पॉइंट्स बता देते हैं, जैसे प्रस्तावना में एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि मनुष्य और पशु में भेद कर दिया जाए तो केवल बुद्धि के द्वारा ही होता है। आप उसको लिख दीजिएगा कि बुद्धि और ज्ञान के बिना निश्चय ही संसार का, जिसमें बुद्धि और नहीं होती ज्ञान नहीं होता, वह निश्चय ही संसार का एक दैनिक प्रारंभ होता है ना। तो कहते हैं कि हम कोटेशंस बताते हैं, आप उनको उसी में कोटेशंस डाल करके आप उनको लिखते चले जाइएगा। ठीक, तो कहते हैं ज्ञान उसे गुरु से मिलता है या उसे पुस्तकों से मिलता है। पुस्तकें जो ज्ञान जो गुरु जो होता है सीमित समय तक ही उसको ज्ञान दे सकता है, लेकिन वास्तव में जो पुस्तकें होती हैं वे गुरु की भी गुरु होती हैं, वे हमारी हितैषी होती हैं। और कहते हैं मानव जाति ने जो कुछ किया और पाया वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में संरक्षित है, सुरक्षित रखा हुआ है। पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो कहते हैं मतलब पुस्तकें पढ़ने से हमें प्रकृति प्रेम होता है। आपने उसको डिटेल में लिखिएगा विस्तृत रूप से। तो प्रकृति से प्रेम होना चाहिए, आसपास के पौधों से प्रेम होना चाहिए। जगदीश चंद्र जो थे बचपन से ही मतलब लहराती पौधों की, मुस्कुराती पौधों की वो टकटकी लगा करके देखा करते थे और निरंतर ये सोचते रहते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं में इन पदार्थों में गति कैसे उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत मतलब खोजा, तो उन्हें लास्ट में क्या, उन्हें उनकी जो कल्पना जो थी वो उनकी साकार हो गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते हैं, उनमें भी गति होती है, स्पंदन होता है और संवेदना भी होती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से स्वयं मतलब हमारी उन्नति के लिए आवश्यक होता है, हम स्वयं को पहचानने के लिए पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। आप उनको उसका दीजिएगा, पुस्तकें हमारे जीवन में मतलब जहाँ एक और मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, वही दूसरी ओर उनकी बुढ़ापे की लाठी भी होती है। ये लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने प्रत्येक स्थान पर बहुत विश्राम खोजा, कि कहीं मैं मतलब विश्राम मिल जाए, लेकिन किसी एकांत कोने में बैठकर, किंतु वह एकांत कोने में बैठकर के पुस्तकें पढ़ने के सिवाय कहीं प्राप्त ना हो सका। उसको लिख दीजिएगा, पुस्तकें हमारे जीवन की एक अमर निधि होती हैं। अमर खजाना होती हैं। किसी भी साहित्य का अध्ययन करना हो, पिछले साहित्य का, प्राचीन काल का अध्ययन करना हो, तो आपको पुस्तकों से प्राप्त हो जाता है ना। और हमारे देश में जो जितने बड़े महापुरुष हुए हैं,
जितने भी बड़े महापुरुष में, तो क्या पुस्तकों के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने किससे किया था, महात्मा गांधी ने गीता से, है ना, महात्मा गांधी ने गीता, महात्मा गांधी ने गीता से रूस के महान साहित्यकार टॉलस्टॉय और अमेरिका के संत साहित्यकार थोरे के साहित्य से, हैं, और लेनिन में जो क्रांति की भावना हुई मार्क्स के साहित्य को लेकर के हुई थी, मार्क्स के साहित्य को लेकर के, ये मतलब पुराने जो कहते हैं जो साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, तो वो किसी ना किसी, किसी ना किसी पुस्तकों के अध्ययन से या किसी के द्वारा ज्ञान की वृद्धि से वो आगे की, मतलब आगे निरंतर उन्नति की ओर, आगे की ओर मतलब बढ़ते चले गए। तो विचार, मतलब विचारों के युग में भी पुस्तकें असर होती हैं, श्रेष्ठ जो पुस्तकें होती हैं समाज में नव चेतना का संचार करती हैं, समाज में जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और हिंदी साहित्य के अमर कथाकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं, उन्होंने क्या किया है, यथार्थ को यथार्थ की धरा पर ला करके, उनको मतलब दिखा यथार्थ की धरा पर ला करके उन्होंने क्या किया है, भारतीय, भारतीय लोगों को, मतलब भारतीयों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति की जागृत, सहानुभूति जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे उनकी कहानी थी कफन, कफन कहानी थी उनकी, और उनकी कहानी थी कफन और वो उपन्यास, मतलब कहानी थी कफन और उपन्यास था गोदान, गोदान उन्होंने लिखा है, दो बैलों की कथा लिखी है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी के, मतलब उन्होंने क्या किया, पुस्तकें लिखने का, मतलब उनकी दीनहीन स्थिति का चित्रण करके भारतीयों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति की भावना जागृत करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पुस्तकें पढ़ना जो होता है समाज का श्रेष्ठ उपयोग होता है और उत्तम कोटि का मनोरंजन भी होता है, ये बुढ़ापे की लाठी भी होती है। निराशा के क्षणों में हम पुस्तकों के, निराशा के क्षणों में हम पुस्तकों के, पुस्तकों के घने काले अक्षरों में अपने को ढूंढने का, अपने को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और पुस्तकें, पुस्तकें हमारी डगमगाती जीवन की पतवार नौका, माने पुस्तकें जो होती हैं हमारी डगमगाती नौका की सशक्त पतवार होती हैं, क्योंकि वे ज्ञान और मनोरंजन वृद्धि का साधन ही नहीं होती वरन मनुष्य की एक सच्ची मित्र होती है, सदगुरु और जीवन पथ की वे संरक्षिका भी होती है। तो इस प्रकार से पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ठीक है। तो इसके आप जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको लिखिएगा, लिख करके बेटा लिखिए और असाइनमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। और कल जो मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पत्रकारिता में पढ़ाया था ना, उसके जो 6 पॉइंट लिखे थे, मतलब समाचार पत्र, समाचार पत्र पढ़ाया था मैंने, तो समाचार पत्र उनको भी लिखिएगा और साथ में पुस्तकों का महत्व भी डालिएगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय, थैंक यू।